बच्चे हो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक पहले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और ये जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लेंगे तो ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में इसमें करा दिया, पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में करा दिया। जब लंबवत हो तो क्या होता है, और जब बीच का कोण इस फॉर्म में आया तो क्या होगा, अब सदिश के फॉर्म में आया तो बीच का कोण क्या होगा। ध्यान से देखो, ये सब हम लोग करा देंगे। आज ये वीडियो 2 होगा और वीडियो 2 में अध्याय हम लोग खत्म करेंगे। ध्यान रखना कि हम लोग ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा अध्याय नहीं है कि दो वीडियो में खत्म हो जाए, पर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिवीजन है ना, तो आप लोग का ये टाइप ऑफ रिवीजन करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। टाइप ऑफ रिवीजन है ये, एग्जाम ओरिएंटेड लेके पढ़ाइए ताकि आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाए। ये प्रॉपर रिवीजन तो मैं नहीं बोलूंगा, प्रॉपर क्रैश कोर्स नहीं बोलूंगा, ये जस्ट एक किक है कि आप लोग अपने एग्जाम को लेकर थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो हैंडल करना आप लोग को आना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोल रहा है रेखाएं आर, आर सदिश में दे दिया है, आर वैक्टर इतना, और यहाँ पे भी आर वैक्टर है इतना के बीच का कोण। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले करे थे, इसमें जब पूछा था तो बीच का कोण हम लोग को पूछा था। अभी क्या दिया है, वैक्टर के फॉर्म में दिया है तो बीच का कोण। क्या आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप लोगों को मालूम है? स्टैंडर्ड फॉर्म आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना मैं क्या करवा रहा हूँ, ये आई प्लस थ्री जे प्लस 5k। अगला क्वेश्चन सेम है, वो आप लोग करोगे। लैम्डा की जगह टी दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा की जगह टी दे दिया है, ये हो गया i माइनस 2j माइनस 3k। क्लियर। अब जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर मैं जब कंपेयर किया तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये a वेक्टर की वैल्यू हो गई प्लस लैम्डा की जगह टी दे दिया है, और ये b वेक्टर। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को यहाँ पे a वेक्टर क्या मिला, इसके लिए मैं बात किया, यही चल रहा है। तो a वेक्टर मेरे को क्या मिला, ये a वेक्टर क्या मिला, i प्लस 3j प्लस 5k। और यहाँ पे b वेक्टर क्या मिला, ये लैम्डा की जगह t है, b वेक्टर क्या मिला, ये b वेक्टर। ध्यान से देखो क्या है, i माइनस 2j माइनस 2j माइनस 3k। गजब। ये अब आप लोग दूसरे के लिए भी यही करेंगे, ठीक है, दूसरे के लिए भी यही करेंगे। तो ध्यान से देखते रहना। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर ये दिया है, पूरा लिखेंगे हम लोग, आई माइनस टू जे प्लस 5k प्लस एस दे दिया है। देखो यहाँ पे टी दे दिया था, है ना, एस दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2i माइनस 2j प्लस k कैप सब। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ पे मेरा ए वेक्टर क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए वेक्टर क्या दिख रहा है, ये, और ये बी वेक्टर है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना, इसको A1 ले लेता हूँ, इसको B1 ले लेता हूँ, क्लियर है क्या। तो इसको A2 ले लूँगा, तो A2 वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर दिखा मेरे को i माइनस 2j प्लस 5k, ठीक है, प्लस लैम्डा की जगह s दे दिया, कोई बात नहीं। ये बी वैक्टर, इससे जस्ट कंपेयर किया, ये इससे किया भाई ये, ठीक है। तो क्या मिला मेरे को, B2 वेक्टर है ना, ये B2 वेक्टर क्या मिलने वाला है, 2i माइनस 2j प्लस k। अब मेरे को क्या पूछा है, इसके बीच का कोण, ठीक है, कोण पूछा है। तो देखो कोण क्या होता है, cos थीटा B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर बटे B1 वेक्टर का मॉड B2 वेक्टर का मॉड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना, लास्ट में थीटा निकालेंगे। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को तो यार मजे की बात बताऊं, ए वेक्टर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ए वेक्टर का कोई काम नहीं, ठीक है, पर फिर भी लिख के तो दिखाना पड़ेगा। A1 और A2 वेक्टर का तो कोई काम ही नहीं, मेरे को B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर करना पड़ेगा, B1 इंटू B2 करना पड़ेगा, फिर उसका मॉड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं B1 वेक्टर का मॉड यहीं पे निकाल देता हूँ। मॉड कैसे निकालते हैं, B1 वेक्टर का मॉड अगर मैं निकालना चाहूँ तो अंडर रूट i के साथ क्या है, 1, i कैप का गुणांक क्या है, 1, तो उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का गुणांक क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस k
के कैप के साथ क्या है, माइनस थ्री, और माइनस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, तो क्या हो गया, नौ और दस तो रूट चौदह आ गया। रूट चौदह किसकी वैल्यू आई, बी वन वैक्टर की वैल्यू आई रूट चौदह, क्योंकि मेरे को बी वन वैक्टर चाहिए ना यार, उसका मॉड, बी वन वैक्टर का मॉड है ना। अब यहाँ पे बी टू वैक्टर का भी मॉड यहीं पर लगे हाथ हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बी टू वैक्टर का मॉड अगर फाइंड करूँ तो क्या होने वाला है, अंडर रूट आई के साथ क्या है, दो का स्क्वायर होता है चार, प्लस जे के साथ क्या है माइनस दो, और माइनस दो का स्क्वायर भी चार होता है, यकीन नहीं होता पर होता है, और के साथ क्या है एक, कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो एक का स्क्वायर एक, तो चार चार आठ, और यहाँ पे आया ये चार चार आठ और एक रूट नौ, और रूट नौ को बोलते हैं तीन। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी टू वैक्टर की मॉड की वैल्यू आ गई ये, तो हम लोग को ये तो मिल गया, नीचे वाला मिल गया। अब ऊपर वाले की तलाश में हम लोग थोड़ा सा भटकेंगे, तो ऊपर वाला क्या है बी वन वैक्टर इंटू बी टू वैक्टर, तो चलो ना यार दोनों का बल तो गुणा करना है, और गुणा करना हम लोग सदिश में सीखे अध्याय दस। तो बी वन क्या है, बी वन ये आई माइनस टू जे, आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप इंटू क्या है बी टू, टू आई माइनस टू जे प्लस के कैप, ठीक है। अब आई का आई के साथ होता है तो क्या मिला मेरे को, बी वन वैक्टर डॉट प्रोडक्ट बी टू वैक्टर, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वन इंटू टू टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू फोर प्लस माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री। अब ये कैसे गुणा किया हूँ मैं, सदीश में बताया हूँ कैसे गुणा करते हैं, देखो आई का आई के साथ होता है और आई इंटू आई वन हो जाता है, ये ऐसे समझो आई का गुणांक के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐसे आप समझ लो, लेकिन होता तो है आई का मल्टीप्लाई टू आई से, तो आई इंटू आई वन हो गया, वन इंटू टू टू होगा, माइनस टू जे इंटू माइनस टू जे, तो जे इंटू जे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो माइनस टू क्या हो गया प्लस फोर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस थ्री के प्लस के, तो के इंटू के वन हो जाएगा, तो माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे बी वन वैक्टर इंटू बी टू वैक्टर वैल्यू क्या आई, चार दो छः, छः माइनस तीन तीन। अब हम लोगों को कॉस थीटा मिल जाएगा यार, यहाँ पे कर रहा हूँ देखो, कॉस थीटा क्या आया ये माइनस तीन, सॉरी चार दो छः तीन आया, तो ये तीन, बी वन वैक्टर इंटू बी टू वैक्टर की वैल्यू क्या आई तीन आ गई, तो ये तीन लिखा, बटे बी वन वैक्टर का मॉड क्या है, बी वन वैक्टर का मॉड है रूट चौदह, ये रूट चौदह लिखा, रूट चौदह इंटू बी टू वैक्टर की वैल्यू है थ्री, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं, रूट बाद में लिखते हैं, ध्यान से देखना, नंबर के बाद रूट लिखते हैं, तो इसको मैं जस्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको अगर अच्छे से लिखूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री रूट फोर्टीन है ना, तो थ्री से थ्री कैंसल, तो वन बाई रूट फोर्टीन आया, वन बाई रूट फोर्टीन मेरे को क्या करना है, थीटा की वैल्यू करना है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये कॉस थीटा आया वन बाय रूट फोर्टीन, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स वन बाय रूट फोर्टीन। यहाँ तक पूरा मैं आप लोगों को बताया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, क्या क्या हुआ एक बार आराम से देखो, आप क्लियर है, अगर ये आप लोग समझ गया हो तो सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सात। अब क्वेश्चन नंबर सात में बताऊँ एक टर्म कंडीशन है, क्या आपका और मेरा ना रेस होने वाला है, तो देखो दो सरल रेखा है, इसमें भी सरल रेखा थी, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है कि बीच का कोण हम लोग को ज्ञात करना है, तो फटाक से करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, मेरे को क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर, फटाक से करो आप लोग, 3i प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ओके प्लस टी माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ये दिया हुआ है। तो मैं अगर कंपेयर करूं तो ये a वेक्टर हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर से तुलना करने पर लिख दो, ऐसे कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है, ऐसे करोगे तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसे भी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, से तुलना करने पर आप ऐसा लिख दो, तो a वेक्टर की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, a वेक्टर की वैल्यू यहाँ से 3i प्लस, किसी को लग रहा होगा कि a वेक्टर का तो यूज़ नहीं है, पर क्यों लिखने, पर क्या करें,
एग्जाम में मार्क्स चाहिए ना, करके लिख रहे हैं, इधर ए वन कर दो, इधर बी वन कर दो। ये क्या है, माइनस आई प्लस टू जे प्लस के, ये हो गया पहले वाले के लिए जुगाड़ हो गया, पहले वाले के लिए जुगाड़ हो गया। अब दूसरे वाले के लिए करते हैं, तो ध्यान से देखना दूसरे वाले के लिए, चलो क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग करते हैं, तो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, आर वैक्टर, यहाँ पे देखना ये आर वैक्टर है, आर थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, आई माइनस सेवन जे, आई माइनस सेवन जे माइनस टू के, ओके सर, प्लस एस, प्लस एस आई माइनस थ्री जे प्लस टू के, ये लो। अब वही तुलना करने पर, तुलना करने पर आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा बी वैक्टर से, तुलना करने पर, तुलना तुलना करने पर, ध्यान से देखना आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ए वन और बी वन लिख रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो आर वन ए वन और यहाँ पे बी वन, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आर टू ए टू, यहाँ पे बी टू। सिमिलरली पिछला क्वेश्चन में भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं ए वन लिया हूँ, तो जब इसके लिए करोगे तो मैं यहाँ पे तो एक ही ठो लिया हूँ बस, दोनों के लिए अलग अलग ये लेके नहीं दिखाया हूँ, तब तो ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लेके नहीं दिखाया हो तब तो ठीक है। मैं दोनों के लिए ये लेके दिखा रहा हूँ ना, मैं ये लेके दिखा रहा हूँ, कहाँ गया ये, हाँ ये, जब दोनों के लिए लेके दिखा रहा हूँ ना, तो ए वन और बी वन ना नोट कर देना यहाँ पे, ताकि समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं तुलना कर रहा हूँ तो यहाँ पे ए वन है, तो मेरे को यहाँ पे भी ए वन लेना पड़ेगा, यहाँ पे बी वन है तो यहाँ पे भी मैं बी वन लिया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ए टू है तो यहाँ ए टू लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ये बी टू है तो यहाँ पे बी टू लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते तो सिर्फ एक ठो बस एक एक बार बस लिख दो, एक बार बस लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये वाला पार्ट तो ए वन है, ये बी वन है, ये ए टू है, ये बी टू है, ठीक है। पर आप लोग जैसा करना वैसा करो, लेकिन भाई भाई बस सही करके आना, ठीक है। ये हुआ, हाँ तुलना करूँगा तो मेरे को क्या मिला, ए टू, ए टू वैक्टर क्या मिला, ए टू वैक्टर आई माइनस सेवन जे कैप माइनस टू के, और बी टू वैक्टर, बी टू वैक्टर क्या मिला, आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ये मिल गया, क्लियर। अब फॉर्मूला होता क्या है सर, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बी वन वैक्टर का और बी टू वैक्टर का मल्टीप्लाई बी वन वैक्टर का मॉड इंटू बी टू वैक्टर का मॉड, ये होता है। अब यहीं पे मैं इसका मॉड भी निकाल लेता हूँ, बी वन वैक्टर का मॉड निकाल लो, तो अंडर रूट माइनस एक का स्क्वायर आई के साथ क्या है, माइनस एक, माइनस एक का स्क्वायर प्लस वन, दो का स्क्वायर चार, वन का स्क्वायर वन, तो ये क्या आ गया, चार दो छः मतलब रूट छः आ गया, ये बधाई हो भाई रूट छः आ गया। बी टू का निकाल लेते हैं, बी टू का निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ बी टू, बी टू का मॉड निकाल लो, एक का स्क्वायर एक प्लस तीन का स्क्वायर नौ प्लस दो का स्क्वायर चार, तो ये आ जाएगा रूट चौदह, रूट चौदह, बधाई हो भाई आ गया, ये बधाई हो, ठीक है। अब बी वन वैक्टर इंटू बी टू वैक्टर यहाँ पे कर लूँ क्या, यहाँ पे कर लेता हूँ बी वन वैक्टर इंटू बी टू वैक्टर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट करूँ कैसे, देखो माइनस एक और एक, ये हो जाएगा माइनस एक, यहाँ पे दो और माइनस तीन, ये हो जाएगा माइनस छः, ये हो जाएगा एक और दो, एक और दो हो जाएगा प्लस दो। अब ये कैसे आया आप लोग देखते रहना, माइनस सात प्लस दो, तो ये आएगा माइनस पाँच। मैं कुछ नहीं गुणा किया हूँ, बस गुणा किया हूँ, मेरा अगर बेस अगर क्लियर है तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, जे जे तो मेरा वन हो जाएगा, मेरे को मालूम है, तो इन दोनों का कोफिशियंट को गुणा कर देता हूँ, माइनस एक गुणा माइनस एक, माइनस एक होगा, ये दो, दो गुणा माइनस तीन, माइनस छः होगा, ये एक, एक गुणा दो, दो होगा, तो माइनस छः और माइनस एक माइनस सात प्लस दो, तो यहाँ पर माइनस पाँच आ गया। अब वैल्यू रख दूँ क्या, वैल्यू रख दूँ, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस फाइव आ गया, ये माइनस फाइव, और ये क्या आ गया, रूट छः और रूट चौदह, रूट छः और रूट चौदह, ये रूट छः इंटू रूट चौदह, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस पाँच बटे रूट छः इंटू रूट चौदह, ये मेरा आंसर। और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो और लिख सकते हो भाई, कॉस इनवर्स माइनस थीटा करके और इसकी वैल्यू लिख सकते हो, पर यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आंसर मतलब पूरा पूरा आंसर मिलेगा, तो ये हो गया। देख लास्ट क्वेश्चन और ये अध्याय को खत्म करते, यहाँ पे देखना इसको काट दो, प्रतिच्छेद यहाँ पे अभी प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए, वो हटा दो। हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि रेखा ये और ये एक दूसरे को
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। याद है एक बार लंबवत वाला करे थे हम लोग, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखो प्रतिच्छेद करती है, ठीक प्रतिच्छेद करती है। तो कब प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, जब ध्यान से बस देखते ना, जब एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, ये क्या है सारणिक में, ये एल वन एल टू ये एल थ्री, यहाँ पे एल एम कर दो, यहाँ पे एल एम एन करो, एल वन एम वन एन वन, ये एल टू एम टू और ये एन टू इज इक्वल टू जीरो। ये सारणिक सॉल्व करने पे इज इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो मैं बोल दूंगा कि एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है। याद है लंबवत वाले में मैं क्या करवाया था, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इज इक्वल टू जीरो आया तो वो लंबवत था, ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो याद रखना इसका जो सॉल्यूशन है वो इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब सर दिक्कत ये है कि यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन और एन टू है क्या, इससे पता चलेगा। ध्यान से देखना, तो हम लोगों को क्या दिया है, दिया दिया है, चलो जो रेखा दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है, x माइनस थ्री कुछ नहीं है तो बटे वन बराबर y प्लस फोर बटे थ्री बराबर z माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री, ये माइनस थ्री। तो इसका हम लोग कंपेयर बताऊं किससे करेंगे, इसका कंपेयर आप लोगों को करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन बराबर y माइनस वाई टू बटे एल एम वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बटे एन वन। तो ध्यान से देखो तुलना करने पर क्या आएगा, एक्स वन की वैल्यू क्या आई, एक्स वन की वैल्यू थ्री। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे दिमाग लगाना, वाई टू की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे वाई टू की वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो वाई, ये वाई है ना, उसके बाद माइनस है, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस फोर लिखूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया वाई माइनस वाई टू, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, बोल रहा है मेरे पास x माइनस एक्स वन है, मतलब ये x उसके बाद माइनस होना चाहिए, उसके बाद जो हुआ माइनस के बाद वो मेरा x1 की वैल्यू होगी। यहाँ पे बोला है y माइनस वाई टू, मतलब माइनस के बाद जो होगा वो मेरा y2 होगा, यहाँ पे तो हमारा प्लस फोर दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि माइनस के बाद वाला, तो माइनस के बाद वाला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, वाई माइनस और ये माइनस फोर, तभी तो माइनस और माइनस प्लस हुआ होगा, माइनस और माइनस तभी प्लस हुआ होगा। तो यहाँ से अब वाई टू की वैल्यू देखो, ये वाई का वाई माइनस का माइनस और माइनस के बाद क्या है वाई टू, माइनस के बाद क्या है ये माइनस फोर, तो ये माइनस फोर हो गया वाई टू का आंसर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड टू, जेड टू देखो क्या हुआ, कंपेयर कर लो, दिख रहा है फाइव, ये जेड जेड माइनस माइनस और जेड टू की जगह क्या है फाइव। यहाँ पे एल वन क्या है, एल वन है वन, एल टू है माइनस थ्री और एल थ्री है, सॉरी यहाँ पे एम वन ना, एम वन है माइनस थ्री और एन वन है माइनस थ्री, ये क्लियर है, ये हो गया। अब इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, आप लोग ये लिखेंगे पूरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बोला, मैं डायरेक्ट एक्स टू वाई टू और जेड टू लिख रहा हूँ, सॉरी एक्स वन ये क्या होगा वाई टू, यहाँ पे एक्स वन ये वाई वन होगा, इसको सुधार लेना थोड़ा, एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन, ओके दूसरे के लिए जेड टू लेंगे, y माइनस वाई वन एम वन जेड माइनस जेड वन एन वन, क्लियर है क्या। अब दूसरे के लिए लेंगे तो x माइनस एक्स टू रहेगा वो, तो x1 यहाँ पे y1 होगा, ये y1 ये y1 है ये y1 है और ये क्या है z1 है, ये z1 है, ठीक है। अब सेम आप लोग लिखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसका केस हो गया। अब इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको x2 कर लेते हैं हम लोग, इसको x2 कर लिया तो x2 की वैल्यू मेरे को मिली चार कॉमा y2 की वैल्यू मिली, y2 की वैल्यू मेरे को मिली फाइव, लेकिन ध्यान से देखना z2 की वैल्यू क्या मिली, z2 की वैल्यू माइनस सिक्स है, यहाँ पे z माइनस माइनस सिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x1 y1 z1 है, अब उसके बाद l1 m1 n1 मिलेगा, इसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक्स टू वाई टू जेड टू और नीचे क्या हो जाएगा एल टू, एल टू क्या है कुछ नहीं है नीचे तो वन, एम टू, एम टू क्या है थ्री और एन टू क्या है माइनस फोर,
एन टू क्या है माइनस फोर, ये आ गया, आप लोगों को पूरा करना है। अब मैं इसके जगह वैल्यू पुट करने वाला हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या? ठीक है, अभी मैं इसकी जगह जस्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो जस्ट मैं वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स टू माइनस एक्स वन, ये है एक्स टू माइनस एक्स वन, चार माइनस तीन, चार माइनस तीन एक होता है, चार माइनस तीन एक वन एक होता है। वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव माइनस माइनस फोर तो पाँच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाँच प्लस चार नौ। ठीक है, अब जेड टू माइनस जेड वन है, जेड टू क्या है माइनस सिक्स, और ये क्या है माइनस जेड टू माइनस जेड वन है ना, तो माइनस सिक्स माइनस फाइव मतलब माइनस इलेवन, क्लियर है, इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। एल वन क्या है वन, ये माइनस थ्री माइनस थ्री, वन माइनस थ्री माइनस थ्री, ये क्या है वन थ्री माइनस फोर, वन थ्री माइनस फोर। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, सारणिक आप लोगों को मालूम है, यहाँ से मैं ओपन किया, ये वन वन, तो ये और ये नहीं लूंगा, तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तीन चौक है बारह, तीन चौक बारह माइनस तीन तिया नौ, तो माइनस नौ आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, एक नौ माइनस ग्यारह, एक माइनस तीन तीन, एक माइनस तीन तीन, एक माइनस तीन तीन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस तीन ही है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक तीन माइनस चार, एक तीन माइनस चार, यहाँ तक क्लियर है सब, यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है, सब क्लियर है, चलिए ठीक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। हाँ, चार तिया बारह प्लस तीन तिया नौ, ये माइनस नौ माइनस नौ, ये और ये, तो माइनस चार प्लस तीन, माइनस चार प्लस तीन, यहाँ पे कुछ एक प्रिंट मिस्टेक है ऐसा मुझे लग रहा है, ये और ये तो हो गया तीन, ये मैं माइनस ग्यारह हुआ, ये और ये तीन एकम तीन, अब माइनस माइनस प्लस प्लस तीन, जीरो आना चाहिए, तो बारह निया एक सौ आठ माइनस नौ, ये माइनस एक ग्यारह, और ये हो जाएगा छः, तो यहाँ पे क्या आ गया एक सौ आठ, एक सौ आठ माइनस और माइनस प्लस तो प्लस नौ माइनस छसठ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये बराबर ज़ीरो नहीं है, ये बराबर ज़ीरो नहीं है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 108, 108 प्लस 9, 108 प्लस 9 हो जाएगा 117 माइनस 66, क्या 0 आएगा, 117 माइनस 66 0 नहीं आएगा, अगर 0 नहीं आया तो एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है, तो यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध नहीं हो पाया, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये सिद्ध कब होता, यहाँ पे एक आध, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये सिद्ध कब होता, जब मैं इसको प्लस थ्री कर दूँ, यहाँ पे तो हमारा सिद्ध नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, लेकिन अब सिद्ध करने बोला है, यहाँ पे अगर प्लस थ्री होता, अभी मेरे को याद आ गया, अगर यहाँ पे प्लस थ्री होता तो यहाँ पे मेरा प्लस थ्री होता, तो यहाँ पे मेरा प्लस थ्री होता, यहाँ पे मेरा प्लस थ्री होता, ठीक है, तो n1 की जगह मेरा प्लस थ्री होता है, मतलब यहाँ पे मेरा प्लस थ्री होता, ध्यान से देखना, तब क्या होता, देखो माइनस बारह, सॉरी ये बारह माइनस नौ, तो ये माइनस नौ होता, ध्यान से बस देखते रहना, ध्यान से बस देखते रहना, इसको इसको मैं पूरा मिटाता हूँ, ध्यान से बस देखते रहेंगे, चलो चलो सॉल्व करते हैं, एक आया एक, एक ये हो गया चार तिया बारह माइनस नौ, चार तिया बारह माइनस नौ, माइनस नौ ये माइनस चार माइनस तीन, माइनस चार माइनस तीन, यही हुआ ये माइनस चार माइनस तीन, ठीक है, ये माइनस ग्यारह, ये ऐसे तीन प्लस तीन, तो ध्यान से इधर देखते रहना, ये बारह में नौ गया, बारह में नौ गया आई थिंक तीन है ना, ये नौ चार तीन सात, ठीक है फटाफट करो, और ये तीन और तीन छः, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तीन माइनस और माइनस प्लस, सात निया तिरसठ, ग्यारह छक्के छसठ इज इक्वल टू जीरो, तो ध्यान से देखो तिरसठ और तीन हो गया छसठ माइनस छसठ इज इक्वल टू जीरो, तो आपको ये दो क्वेश्चन बन गया, ये दो क्वेश्चन बन गया। आठवां क्वेश्चन क्या था, जब मैं यहाँ पे
माइनस तीन लिया था तो मेरा क्या हुआ, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करी। और क्वेश्चन नंबर नौवा हो जाएगा आप लोग के लिए जब यहाँ पे प्लस थ्री रहेगा। तो इसी में दो क्वेश्चन बन गए भाई, इसी में दो क्वेश्चन बन गए, जब कब, जब ये प्लस थ्री था और जब ये माइनस थ्री था। तो प्लस थ्री जब लोगे आप लोग तो क्वेश्चन नाइन होगा, और ये माइनस थ्री लोगे वो क्वेश्चन एट होगा। तो यहाँ पे मैं अध्याय को समाप्त करता हूँ बच्चों, मिलेंगे नए अध्याय में, तब तक के लिए आप मस्त पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सॉल्यूशन इधर उधर होता है कभी कभी, तो इसको माइंड नहीं करना है, कभी कभी प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, लेकिन प्रिंट मिस्टेक को भी अपन संभाल लिए, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूँ नए अध्याय में, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए।